विद्या भारती से संबंध विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर चौहटन का मात्र सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ। स्थानीय बालिका आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए चौहटन नगर के तीनों विद्या मंदिरों के संयुक्त सम्मेलन में चौहटन सरपंच कंचन कंवर, सरपंच चौहटन प्रांत सचिव विद्या भारती जोधपुर महेंद्र दवे सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। विद्या भारती से संबंध विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर चौहटन का मात्र सम्मेलन मंगलवार को आयोजित हुआ। स्थानीय बालिका आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुए मात्र सम्मेलन में बारे में प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा ने बताया कि चौहटन नगर के तीनों विद्या मंदिरों के संयुक्त सम्मेलन का प्रारंभ मुख्य अतिथि कंचन कंवर, सरपंच चौहटन महेंद्र दवे, प्रांत सचिव विद्या भारती जोधपुर व अमिता नढ़ाणी मायूश्री की अध्यक्षता में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता महेंद्र दवे ने कहा कि बालकों में शिक्षा के साथ संस्कार व दृढ़ता प्रदान करना सर्वप्रथम माँ का कर्तव्य है। आजकल के समय में घरते मानवीय मूल्यों की महत्ता और संस्कारपूर्ण शिक्षा आज भी विद्या मंदिरों की प्राथमिकता है। अतिथि परिचय कैलाश कुमार प्रधानाचार्य और विद्यालय का प्रतिवेदन बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश शर्मा ने प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि कंचन कंवर ने विद्या मंदिरों में संस्कारयुक्त शिक्षा की सराहना की तो अध्यक्षीय आशीर्वचन में अमिता माहेश्वरी ने बालिकाओं की शिक्षा और उनकी मजबूती पर जोर देने का आग्रह किया। बताइए, अपने बच्चों को हमने विद्यालय भेजना शुरू कर दिया है। ये संस्कृति और संस्कार जीवित रहेंगे तो ही हम जीवित रहेंगे। ये संस्कार और संस्कृति जीवित रहे इसके लिए आदर्श विद्या मंदिर, ये मातृशक्ति सहयोगी इसीलिए आदर्श विद्या मंदिर में जो पढ़ने वाले भैया बहन है, इन भैया बहनों में अच्छे संस्कार आए, अच्छी बातें सीखी। कार्यक्रम में उपस्थित माताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में गायत्री माहेश्वरी, विमला दैया, सावित्री चौधरी, सरोज शर्मा, रश्मिका माहेश्वरी, भावना छाजेड़, पूनम चंद पालीवाल जिला सचिव, सुरेश मालू, कृष्ण कुमार माहेश्वरी, मदन दैया के अलावा कई अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन महावीर धारीवाल ने किया व शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।